हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही जबरदस्त सी आलू स्नैक की नई रेसिपी और नए तरीके से। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ना, देखने में भी एकदम क्रंची। तो ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स ये रेसिपी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, इस तरह के स्नैक्स ज़रूर बनाइएगा, सबको पसंद आने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी वाले ये स्नैक बन के तैयार हुए हैं। और ये इसके लिए हमने बहुत ही कम आलू से हमने इतनी सारी बनाए हैं स्नैक। और देखिए हमने ये 500 ग्राम आलू है हमारे ये करीबन, तो मैंने इसको छील लिया है और अच्छे से इसको धो भी लिया है। अब चलिए हम इसकी दो रेसिपी बनाने वाले, दो तरह के स्नैक्स बना रहे हैं। तो यहाँ मैं जो चार जो आलू हैं ये मीडियम साइज़ के आलू हैं, तो मैं इनको काट कर रफली और मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए, इसलिए मैं इसमें कट लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं सारे आलू में इस तरह से कट लगा दूँगी। देखिए हमारे आलू कट के तैयार हो गए हैं, इसे डाल देंगे हम पैन में। हम इसको पैन में बॉईल करेंगे। अब देखिए हमने डाल दिया है पानी, डाल देंगे बॉईल करने के लिए जितना हमें पानी रखना है। एक गिलास में इसमें पानी डाल दूंगी। अब रख देंगे इसको गैस पर बॉईल करने के लिए, हमने ही रख दिया है। अब चलिए दूसरी रेसिपी की हम तैयारी कर लेते हैं। इतने ये जो आलू हमने लिए है ना दूसरी रेसिपी के लिए, इनको जो है हम कद्दूकस करेंगे। इसकी रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं स्नैक कद्दूकस करके बनाने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कद्दूकस कर रही हूँ, आप भी इस तरह से कर लीजिएगा। देखिए हमारे आलू जो है अच्छे से कद्दूकस हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी इसको धोने के लिए, और पहले हम उससे पहले इसमें नमक लगा देंगे ताकि जो हमारे आलू हैं आलू से जो भी मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाए और बाद में गीला गीला नहीं रहे। तो हमने देखिए डाल दिया है, देखिए कितना पानी निकला हमारे आलू से। अब इसमें डाल देंगे हम पानी में और अच्छे से इसको धो लेंगे, जिसका स्टार्च होता है ना ब्लैक ब्लैक वो अच्छे से निकल जाएगा। और देखिए हमने इसको धो लिया है, पानी बिल्कुल अच्छे से निकाल दिया है इसका। अब इनको आलू को डाल दिया है मैंने बाउल में। अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, में डालूंगी इसमें 2 चम्मच, ब्लैक पेपर 1 चम्मच छोटी चम्मच से डाला है, चावल का आटा डाला है मैंने ये 1 चम्मच भर के, 2 चम्मच में इसमें तेल डालूंगी मोइन लगाने के लिए, जैसे कि हम आटे में लगाते हैं इसमें भी हम डालेंगे। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आपको जिससे कंफर्टेबल लगे आप उसी से इसको मिला लीजिए बैटर को। अगर आपको ये गीला लगता है तो आप इसमें और ऐड कर लीजिए कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा। तो यहाँ पर मैंने जो है चावल का आटा इस्तेमाल किया है, तो मेरा 2 चम्मच चावल का आटा लग गया इसमें और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। ये तैयार हो गया हमारा बैटर। तो मैंने ये बटर पेपर ले लिया है, उसमें मैं इसे डाल दूंगी। तो हम इसकी पतली सी शीट बना लेंगे इस तरह से, इतने अच्छे से बनी है। अब इसमें हमने बटर पेपर और लगा दिया है ताकि अच्छे से बराबर से एक जैसा हो जाए इस तरह से। देखिए अच्छे से निकल रहा है हमारा बटर पेपर। आप इसको साइड से हम स्टार कर दीजिएगा, जिससे कि हमें आधा बेस नहीं करना पड़ेगा, वरना हमें कटिंग में निकालना पड़ेगा इसको। तो इस तरह से मैंने स्टार कर दिया है उसको बराबर। अब इसमें हम कट लगा देंगे, आप चाहें तो बाद में भी कट लगा सकते हैं, तो मैंने आपको दिखाया है तो इस तरह से हम कट लगा देंगे। तो इधर हमारे आलू भी अच्छे से बॉयल हो गए, तो हमने इसको इस तरह से घिस लिया है छन्नी में डालकर। हमें बारीक आलू चाहिए इसलिए हमने इस तरह से घिसा है, तो इस तरह से हमें बहुत बारीक आलू मिलेंगे। तो अच्छे से हमारे आलू अच्छे से घिस गए हैं छन्नी के अंदर, देखिए तैयार हो गए हैं। इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, और हम इसको जो है पतला करेंगे दूध के साथ, और 2 चम्मच हमने इसमें तेल डाला है मोइन के लिए, जैसे कि हम आटे के अंदर लगाते हैं, जिससे कि हमारे जो स्नैक्स है क्रिस्पी बने। देखिए तैयार हो गया है, इसे डालेंगे हम कोन में इस तरह। देखिए मैंने सारा बैटर जो है अपने
गोद में डाल दिया है। अब इसको मैं बंद कर दूंगी लास्टिक लगाकर इसको। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में जो है तेल डाल दिया है। अब देखिए हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है इनको, इस तरह से तोड़ दिया है। अपने स्नैक्स को आप जैसी शेप देना चाहें वैसे बना सकते हैं, छोटे या बड़े, आपको जिस तरह के पसंद हो आप उस तरह से बना दीजिएगा। और मैंने इस तरह से बनाए हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी सीखेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही बारीक बारीक है, एकदम जलेबी टाइप, और बहुत ही खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है इनमें। और जो भी बैटर बचा था मैंने सारे के तोड़ दिए हैं इसी तरह से। अब जो हमने दूसरा बनाया था ना, दूसरे स्नैक्स की तैयारी की थी हमने कद्दूकस करके आलू को, तो उसका ही हमारा जो बैटर है अच्छे से सेट हो गया, हमने फ्रिज में रख दिया था। तो उसकी जो है हमने इस तरह से बर्फी की तरह इसकी टिक्की काटी है, जिसे एकदम बर्फी की तरह लग रही है। तो अब इसको जो है हम तेल में डाल देंगे इस तरह से, उलटते फुलटते इस तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। देखिए एकदम जो है मोटे वाले जो चिप्स होते हैं ना आलू के, तो बिल्कुल उनके जैसे लग रहा है देखने में। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। अभी हमारे फ्राई हो गए हैं, तो जो हमने पहले फ्राई किए थे स्नैक्स उनको हमने डाल दिया है तेल के अंदर। इसको डबल फ्राई कर लिया है, जिससे क्या होगा ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे जो आलू स्नैक्स हैं बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार और टेस्टी हैं ये खाने में। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। लग रहे ना एकदम क्रिस्पी देखने में ही, और खाने में कितने क्रिस्पी होंगे ये, जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।